3 इंपॉर्टेंट फायर बटन सेटिंग्स यू मस्ट टर्न ऑन। ओके, सो ये 3 सेटिंग्स आपके नॉर्मल फायर बटन को एक पावरफुल फायर बटन में कन्वर्ट कर देगा। एंड थर्ड वाला सेटिंग जस्ट आपके फायर बटन को हल्क जैसा पावरफुल बना देगा, जिससे आपका हेडशॉट तो वर्क करेगा ही, साथ में आपका गेम प्ले भी इम्प्रूव होगा। एंड इन दिस वीडियो यू विल आल्सो फाइंड द बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है, अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे देखे तो। ओके, सो आपके सामने मैंने 2 कस्टम मोड के पिक्चर रखे जिसमें फायर बटन के साइज एंड पोजीशन अलग अलग है, एज यू कैन सी। सो अभी अगर इनमें से आपको एक फायर बटन चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करोगे, दिस और दिस? तो अगर आपने इसको चूज किया है तो वेलकम गाइस टू माय चैनल। एक नॉर्मल फायर बटन को पावरफुल फायर बटन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फायर बटन के साइज एंड पोजीशन को परफेक्ट सेट करना है, बिकॉज आपको पता ही है फ्री फायर में हेडशॉट मारने के लिए फायर बटन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एट फर्स्ट मैं आपको फायर बटन रखने का बेस्ट प्लेस बताता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर आप अपने कस्टम मोड को रीसेट कर दोगे तो आपको फायर बटन रखने का बेस्ट प्लेस मिल जाएगा। जी हाँ, मैं डिफॉल्ट प्लेस की बात कर रहा हूँ। फायर बटन रखने का बेस्ट प्लेस होता है डिफॉल्ट पोजीशन, जहाँ से आप फायर बटन को इजीली कंट्रोल भी कर सकते हो एंड ड्रैग डिस्टेंस भी काफ़ी हाई रहता है। एंड अगर आप थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट कीप वन थिंग इन माइंड, फायर बटन को ज़्यादा ऊपर की तरफ मत लेके जाना, इससे ड्रैग डिस्टेंस कम हो जाएगा। आप थोड़ा लेफ्ट साइड में या फिर थोड़ा डाउन कर सकते हो, बट ज्यादा नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा। ओके, सो सेकेंड थिंग इज फायर बटन साइज। गाइस, फायर बटन का कोई परफेक्ट साइज नहीं होता। आप फायर बटन को 40% में रख के भी हेडशॉट मार सकते हो एंड फायर बटन को 70% में रख के भी हेडशॉट मार सकते हो। सिर्फ डिपेंड करता है आप फायर बटन को कितना साइज में रख के इजिली कंट्रोल कर सकते हो। आई मीन आपको रोटेशन ड्रैग, स्ट्रेट ड्रैग, होल्ड ड्रैग तो मानना ही है ना गेम में। तो फायर बटन को ज्यादा छोटा रखोगे तो आप सही से फायर बटन को यूज नहीं कर पाओगे, एंड ज्यादा ही बड़ा रखोगे तो जब फायर करने जाओगे तो पहले ही आपका थंब टच हो जाएगा फायर बटन में, जिससे मिस फायर होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो आपको अपने थंब के अकॉर्डिंग फायर बटन को सेट करना है। लाइक यहाँ पे आपको पहले अपना कस्टम मोड को ओपन करना है, देन अपना थंब अपने फायर बटन के ऊपर रखना है एज यू कैन सी, देन आपको हर एंगल से देखना है आपका फायर बटन आपके थंब के ऊपर सेट हुआ है या फिर नहीं। जैसा कि मेरा फायर बटन मेरे थंब के ऊपर बिल्कुल सेट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आपको भी ऐसे ही अपना फायर बटन साइज क्रिएट करना है, इससे आप फायर बटन को इजीली कंट्रोल कर पाओगे। हाईलाइट योर फायर बटन। ओके, सो बहुत प्लेयर्स अपने फायर बटन को इनविजिबल रखते, आई मीन फायर बटन के ऑपोजिट ही बहुत लो रखते, जिससे फायर बटन इनविजिबल हो जाता है एंड हेडशॉट मारते टाइम आप फायर बटन के ऊपर सही से फोकस नहीं कर पाते, जिससे आपका हेडशॉट मिस हो जाता है। एंड बहुत प्लेयर्स को एक बात पता नहीं होगा, फायर बटन का सबसे पावरफुल प्लेस होता है ये वाला, जहाँ पे बुलेट का आइकन बना होता है। तो अगर आप कोई सा भी ड्रैग यूज कर रहे हो एंड आप फायर बटन के बिल्कुल बुलेट वाला आइकन में प्रेस करके फायर बटन को यूज करोगे तो जो भी ड्रैग आप यूज कर रहे हो उस टाइम पे वो ड्रैग 100% वर्क करेगा बिकॉज ऑफ दिस। कई बार हम हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं बट हमारा हेडशॉट नहीं लगता, एंड कई बार सडनली हेडशॉट लग जाता है तो हमें यकीन नहीं होता हेडशॉट कैसे लगा। तो इसका सीक्रेट है आप जाने अनजाने में फायर बटन के सबसे पावरफुल प्लेस में अपना थंब रख के फायर बटन को यूज करते हो, जिससे आपका हेडशॉट वर्क कर जाता है। सो आपका हेडशॉट सिर्फ सडनली नहीं, हमेशा ही वर्क करे, इसके लिए आपको फायर बटन के ऑपोजिट को 100% रखना है, जिससे आपका फायर बटन ऑलवेज हाईलाइट होके रहेगा आपके कस्टम मोड में। एंड आप जब भी एनिमी को हेडशॉट मारने जाओगे आप अपने फायर बटन के ऊपर फोकस भी कर पाओगे, जिससे आपका हेडशॉट मिस नहीं होगा। ओके, सो इस सेटिंग को ऑन करते ही आपका नॉर्मल फायर बटन एक पावरफुल फायर बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको अपने कस्टम मोड के अंदर जाना है, देन यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन को राइट फायर बटन के ऊपर रख देना है एंड लेफ्ट फायर बटन के साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। आई मीन यहाँ पे आप राइट फायर बटन के जो बुलेट वाला आइकन है इसके हिसाब से लेफ्ट फायर बटन के साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करना है एज यू कैन सी, देन लेफ्ट फायर बटन को बिल्कुल राइट फायर बटन के नीचे रख देना है।
बट इससे होगा क्या? ओके, सो इससे आपका फायर बटन पावरफुल हो जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप देख सकते हो मैं नॉर्मल फायर बटन को जब रोटेट कर रहा हूँ या फिर यूज कर रहा हूँ कैसे यूज हो रहा है। बट अभी जब मैं डबल फायर बटन को यूज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो फायर बटन में कोई भी मूवमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है एंड फायर बटन में हल्का सा टच से भी फायर बटन क्विक वर्क कर रहा है, जिससे कोई सा भी ड्रैग हेडशॉट मारने में बहुत हेल्प मिल रहा है। इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट इतना बता सकता हूँ आपको एक बार ये फायर बटन सेटिंग ट्राई करना चाहिए। एंड इस फायर बटन के कुछ डिसएडवांटेज भी है, लाइक अगर आप ग्रेनेड करते हो तो आपको टाइमर का ऑप्शन नहीं मिलता है, ग्रेनेड डायरेक्ट थ्रो हो जाता है। अगर आप AWM चलाते हो तो जब फायर बटन में प्रेस करोगे तो आपका स्कोप ओपन नहीं होगा, AWM डायरेक्ट फायर हो जाएगा। एंड अगर आप लेफ्ट फायर बटन से ग्लोअर लगाते थे तो आपको वो वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आप हेडशॉट मारना चाहते हो तो इस फायर बटन को ट्राई कर सकते हो।